हिल के कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट के हमारे मंच पर विराजमान हमारे डायरेक्टर साहब टूरिज्म के अमित कश्यप जी, सभी सम्मानित मंच पर महानुभाव और इस जुनगा के प्रांगण में सभी उपस्थित हमारे सभी बंधु भर, हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी, प्यारे बच्चों, मैं जुनगा को तकरीबन 50 साल से जानता हूं। अक्सर जुनगा आना होता था और कई तो मेरे समय के यहाँ क्लास फेलो भी बैठे हैं। उस समय एक ही स्कूल हुआ करता था, वो हमारा कुसुमटी स्कूल हुआ करता था। जुनगा, बड़ा गांव, रजाना, पुजारली, मैली, सब लोग वहाँ पढ़ा करते थे। बहुत कम स्ट्रेंथ हुआ करती थी। और आज जुनगा भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे जो पैराग्लाइडिंग जुनगा के अध्यक्ष अरुण रावत जी ने एक नई सोच यहाँ जुनगा वासियों को दी कि पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में जुनगा भी उभर के आए, और जब ये क्षेत्र उभरेगा तो उससे टूरिज्म की एक्टिविटीज भी बढ़ेगी, जिसका फायदा यहाँ के आने वाले लोगों को होगा, शॉपकीपर्स को होगा, और खासकर जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है उनको होगा। जब बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हुई थी तो बहुत कम लोग जानते थे। आज कांगड़ा का बीड़ बिलिंग वर्ल्ड फेमस है, और इस बार हमारा वहाँ पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है। हमारी सरकार की कोशिश है कि टूरिज्म को अधिक बढ़ावा दिया जाए, और हमारी सरकार जब से बनी है तब से ये कोशिश रही है कि जो हमारी वातावरण के हिसाब से जो उद्योग यहाँ लगने चाहिए उस दृष्टि से हम आगे आए। तो हमने दो उद्योगों को चिन्हित किया है, एक टूरिज्म को, एक हाइड्रो को, एक फूड प्रोसेसिंग को, एक आईटी इंडस्ट्रीज को। इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक तंगाली थी, 75,000 करोड़ का कर्ज था, 10,000 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की लाइबिलिटीज थी। सरकार चलाने के लिए और प्रदेश चलाने के लिए धन की बहुत कमी थी, पर हमने किसी न किसी तरह स्थिति को संभाल रहे हैं। उस पर से ये आपदा आ गई और आपदा ने हमारी कमर तोड़कर रख दी। 50 वर्षों में बारिश ने ऐसा तबाही का मंजर पैदा किया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कई घर हमारे जो रात को ये उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ कभी लैंडस्लाइड्स होगा, उस लैंडस्लाइड्स के भाव में आ गए और कई परिवार उसमें जिंदा दब गए। मैंने हर क्षेत्र का दौरा किया और 3,500 घर तो हमारे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। 13,000 घर पार्शली डैमेज हुए हैं या वहां जगह रहने लायक ही नहीं है। जो पहाड़ 500 मीटर के सीधे बैठ के उसने बहुत बड़ी तबाही हिमाचल प्रदेश में की। मैं हिमाचल की जनता का बहुत धन्यवाद ही हूँ, खासकर छोटे बच्चों का, जिन्होंने एक भावनात्मक संदेश ये दिया कि उन्होंने अपनी गुल्लक के पैसे भी इस आपदा राहत कोष में हिमाचल प्रदेश सरकार को दिए। सरकारी कर्मचारियों ने, पेंशन अधिकारियों ने, जिसकी जो भी क्षमता थी उसने आपदा राहत कोष में हमें पैसा दिया, और एक पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक योगदान हमारे सामने इकट्ठा हुआ। अभी तक 210 करोड़ रुपए हम इकट्ठा कर चुके हैं, जिसकी जो क्षमता थी। सवाल पैसे देने का नहीं है, सवाल उस भावना का है, वो हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं आना देना चाहते, वो उन उजड़े परिवारों को बसाना चाहते हैं, उसमें अपना योगदान में सहयोग करना चाहते हैं, जिन्होंने एक एक पाई जोड़कर अपना घर बनाया था और जब घर उजड़ गया तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। हमने की स्थिति को भांपा। हम केंद्र सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, उनकी तीसरी केंद्रीय टीम आ गई है, कि जो हमारा हक मिलता है, बनता है,
वो हक तो हमें दीजिए, क्योंकि हमने कहा कि इस आपदा को आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करें और स्पेशल रिलीफ पैकेज हमको दें। हम विधानसभा में ये सोचकर एक संकल्प लाए कि जो जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो तो कम से कम इस आपदा की स्थिति में हमारे साथ तो खड़े होंगे, लेकिन वहां भी वो मूक दर्शक बनकर बैठे रहे। और जो सांसद चुनकर गए कांग्रेस के सांसद को छोड़कर, वो देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से मिलने से भी गुरेज करते रहे। अगर 50 साल में इतनी बड़ी आपदा आई है और उसमें भी आप हिमाचल की जनता के साथ नहीं खड़े होते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो सिर्फ राजनीतिक रूप से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया, जिसमें से 1000 करोड़ मनरेगा के तहत, जिनके दंगे गिर गए हैं, दीवारें गिर गई है या कुछ छोटा सा और काम रह गया, उनको 1000 करोड़ रुपए उस पर खर्च करेंगे। और जो 3500 करोड़ रुपए है वो हिमाचल प्रदेश की सड़कें, पीने के पानी की योजनाएं, बिजली के कनेक्शन को दोबारा से परमानेंट करने के लिए और घर बसाने के लिए हम खर्च कर रहे हैं। हमने देखा कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में राहत शिविरों में रहने को लोग मजबूर हुए। 3000 लोग सिर्फ इस प्रकार के टेंट में, ये तो बहुत अच्छे टेंट है, छोटे से टेंटों में रहने को मजबूर हुए। हमने उनके लिए कहा कि अगर गांव में मकान लेना चाहते हम 5000 रुपया देंगे, शहर में रहने वाले को हम 10000 रुपया देंगे। फिर केंद्र सरकार की योजना के तहत जो पैसा आना है, आप जानते होंगे पंचायत के कई प्रधान भी बैठे होंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हमारी पिछली सरकार थी वो 1,30,000 रुपया मकान बनाने के लिए देती थी। मैंने अंदाजा लगाया कि 1,30,000 में तो कभी किसी का वॉशरूम भी नहीं बन पाएगा। हमने उस रकम को अपने संसाधनों से बढ़ाकर 7,00,000 रुपया, जिसका मकान पूरी तरह नष्ट हो गया, उसको दिए और कहा कि 280 रुपया आपको प्रति बोरी सीमेंट का मिलेगा और जो पानी का कनेक्शन होगा वो सरकार उपलब्ध करवाएगी, बिजली का कनेक्शन जो होगा सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये क्यों किया? ये इसलिए किया, चाहे कितना बड़ा भी धनवान क्यों ना हो, हिमाचल में इतने धनवान व्यक्ति नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक अपना घर बनाते हैं और बड़ी मुश्किल से उस घर में वो अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर जीवन भर का सुख सोचते हैं कि मेरे पास एक घर है, मैं कम से कम भूखा तो नहीं मरूंगा। तो हमने उनके लिए 7,00,000 रुपए का प्रावधान किया। और भैंस मर जाएगी, गायें मर जाएंगी, क्योंकि गांव के लोग बड़े प्रभावित हुए, तो उनके लिए हमने 55,000 रुपये प्रति पशु का किया, चाहे गाय मर जाए चाहे भैंस मर जाए। भेड़ बकरी का 6,500 रुपये किया। मैं जब लाहौल स्पीति में बायर रैकी कर रहा था तो मैंने देखा गडरिये अपनी भेड़ों को लेकर, बर्फ पड़ी हुई थी जुलाई के महीने में, 7 से 11 जुलाई तक मैंने खुद इस ऑपरेशन को देखा, तो कोई 500-700 बकरियां इकट्ठी होकर बैठी हुई थी, ना वो आगे जा सकती थी ना पीछे जा सकती थी। हम भी मजबूर थे, ना हमारे पास कुछ करने को कुछ नहीं था, वो सारी भेड़ बकरियां उनका देहांत हो गया। सिर्फ किसी तरह जो उनके गडेरिये थे, जो हमारे गद्दी भाई थे, उनको हमने बचाया, लेकिन उनकी जान तो हम ला नहीं सकते, लेकिन जिन गद्दी भाइयों ने इनको पाला उनको हमने बोला कि एक भेड़ बकरी का भी 6,500 रुपया दिया जाएगा। जिसका कच्चा मकान टूट गया, एक और चीज, अब जिसका कच्चा मकान टूट गया गांव में बन जाता है 4-5 लाख से, हमने बोला वो कच्चे मकान में क्यों रहे, फिर हम बोलेंगे तुम कच्चे मकान के लिए इतने पैसे ले लो, हमने बोला उसको भी हम 7,00,000 रुपया देंगे ताकि वो पक्के मकान में रहे, अपना बनाए। ये सब चीजें हम अपने संसाधनों से पूरी कर रहे हैं। बारिश के समय आपने देखा कि पहाड़ का सेब फंसा हुआ था, हमने दिन रात करके रास्ते निकाले, पानी की कुछ समय समस्या रही, लेकिन जिस प्रकार की 50 साल में आपदा आई उस प्रकार की समस्या का हमने सामना किया। अब हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करना है और हिमाचल प्रदेश को हम कर्ज के बोझ के तले नहीं दबा सकते। शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़ते जा रहे हैं,
स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम पिछड़ते जाते हैं। महज स्कूल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, महज प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। उस स्कूल का क्या फायदा जहां आपको हम टीचर ही ना उपलब्ध करवा सके, उस शिक्षा का क्या फायदा जहां एक बच्चे पांचवी तक में एक ही टीचर हो, वो पीएससी का क्या फायदा जहां डॉक्टर ही ना उपलब्ध करवा सके, जहां आपका इलाज ठीक हो उसको ठीक करने की जरूरत है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना पड़ेगा हमको। हमें तो टाट मिलती थी आम स्कूल में पढ़े हुए हैं, लेकिन आज जमाना बदला है। आज उस जमाने के साथ हमको गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी ले जाना पड़ेगा। आप देखेंगे 2-3 साल में गवर्नमेंट स्कूल के जो शिक्षा के क्षेत्र के बच्चे हैं उसमें हम बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं, लेकिन बदलाव में भी समय लगता है। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारे 40 साल में ऐसी व्यवस्था पाई है कि अब उसको सुधारने में समय लगेगा। तो इसलिए हमने कई बार कहा कि हम हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार आई है वो सत्ता सुख के लिए नहीं आई है, वो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है। ऐसी व्यवस्था जहां आम आदमी को, गरीब आदमी को न्याय मिले। अब इंतकाल में आपके कई चक्कर लग जाते हैं, पार्टीशन में आपके कई पीढ़ियां निकल जाती है, 30-30 साल तक पार्टीशन नहीं होता। डिमार्केशन में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस बार हमने कानून बनाया कि हम पार्टीशन, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, डिवाइडेशन को समय अवधि के अनुसार करेंगे, और हम जल्दी ही जिनके इंतकाल नहीं हुए हैं पूरे प्रदेश में उसकी एक इंतकाल अदालत, म्यूटेशन अदालत लगाने जा रहे हैं, ताकि सभी परिवारों के जिनके नाम पर जगह होनी है उनके नाम पर जगह हो सके। तो कई परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें टूरिज्म सेक्टर हमारा सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए मैं आज इस पैराग्लाइडिंग के इस कार्यक्रम में आया हूं। टूरिज्म हमारे डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, जो कुछ कमियां है उसको हम दूर करेंगे। टूरिज्म में हमारा अतिथि देवो भाव हमारी नीति है, उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। और एक मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम कर्जे के बोझ के नीचे दबे हैं, और जब परिवार में भी ना बजट होता है, घर वाले को पता होता है कि मेरे पास अगर 10,000 पे आना तो मैंने किस में खर्च करना है, किस में खर्च, उसी तरह सरकार का भी बजट होता है। कोई भी सरकार किसी को दुखी नहीं रख सकती कि मैं दुखी करूंगा आपके कट करूं, लेकिन पहले कुछ कष्ट सहना पड़ेगा हमको। और 4 साल में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर लाएं। अर्थव्यवस्था ये होती है कि कितना धन है, कितना धन खर्च करना है। अब आजकल हमारी स्थिति क्या है, हम 100 रुपए की जगह 200 रुपया खर्च कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति पर 1,00,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। अब हम ये तो नहीं देख सकते कि हम सत्ता में तो हम भी कर्जा ले लें, उस कर्जे को सही रूप से आगे इस्तेमाल हो ये देख सकते हैं। हम 4 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। और मैं आपको ये बार बार मैं हर बैठक में कहता हूं कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली राज्य होगा, सबसे अमीर राज्य होगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करेगा, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरक्की करेगा, जो टूरिज्म के क्षेत्र में तरक्की करेगा। क्योंकि योजनाएं बना ली है, अब धरातल पर उतारने का दायित्व हम लोगों का है। इसमें थोड़ा बहुत कष्ट आम जनता को अगर सहन करना पड़ता है तो आप उस कष्ट को सहन करिए, लेकिन जो युवा पीढ़ी हमारी यहाँ बैठी है, जो प्यारे बच्चे हमारे बैठे हैं, उनका भविष्य सुनहरा करने के लिए हम कई योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। आप देखेंगे हर दिन हम किसी न किसी तरह से बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने कानूनों के सहारे हम नई चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते, हमें कानून में भी बदलाव करना पड़ेगा, रूल में भी बदलाव करना पड़ेगा, और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और इस शुभ अवसर पर मैं अरुण रावत जी, उनकी टीम को, पैराग्लाइडिंग के जो हमारे पायलट आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जुमगा का ये जो है यहाँ टूरिस्ट अधिक से अधिक संख्या में आए। वैसे यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, जैसे ये 4 लेन बनेगा तो यहाँ टूरिस्ट और ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, और आपकी आर्थिकी मजबूत होगी। हमें हर गांव के हर परिवार की आर्थिकी को भी मजबूत करना है, इस दृष्टि से हमारी सरकार योजनाएं बना रही है। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।